हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। देख रहे हो हम इंडिया जा रहे हैं, फाइनली हम इंडिया जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो हुआ है मेरे साथ, वो हम आपको एक नया वीडियो बनाएंगे उसके लिए, क्योंकि वो वाला चीज़ एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। इतना भयानक चीज़ हुआ। हम 7:30 बजे सुबह के घर निकले हुए, घर से निकले हुए और भी साढ़े बारह बजे रात में मेरा फ्लाइट है। और आपको क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी जाने का वीडियो व्लॉग तो हमको बनाना ही था, क्योंकि मेरा याद रहेगा। सो वी आर गोइंग, मेरा 12:30 बजे का फ्लाइट है। आई विल सी एकदम मज़ा आने वाला है। यहाँ से हमको दोहा जाना है, दोहा में भी बहुत 9-10 घंटे का ले ओवर है, फिर वहाँ से हमको फ्लाइट है दिल्ली के लिए। लेकिन आई विल इन्जॉय दिस। तो हम लोग का पूरा चेक इन हो गया, सब कुछ हो गया, इमिग्रेशन सब कुछ हो गया, बस अब बैठ के फ्लाइट का वेट करना है। विल वेट, लेट्स गो। ज़्यादा हमको बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ है, क्योंकि हम सुबह से खाए नहीं हैं और यहीं इधर उधर घूम रहे हैं, भाग रहे हैं टिकट के चक्कर में। तो अभी हम लोग जब चेक इन कर लिए हैं तो हम स्टारबक्स ही खुला हुआ है यहाँ पे, तो हम स्टारबक्स पे जाके कुछ खाते हैं, क्योंकि हमको पता है हमको फ्लाइट का खाना नहीं पसंद आता है। तो विल गो इन इट। हमको ना घर, मतलब ऐसा मन कर रहा है कि यहाँ से उड़े और जल्दी से फटाक से पहुँच जाए, लेकिन हमको भी कम से कम 12-19 घंटा तो इधर ही उधर रहना पड़ेगा। और हम रात में बस 2 घंटा सोए हैं, लेकिन ये भी एक मेमोरी है, पहली बार इंडिया जा रहे हैं, इस तरह से हुआ है। बच्चे लोग को सुनाएंगे अपना, इसलिए रखा हुआ ऐसा ही है। तो हम जा रहे हैं, उसको पियेंगे और फिर हम फ्लाइट पर बैठेंगे। फिर कोरियर ट्रैवल किए थे तो हमको बीच वाला ही सीट मिला था। अभी हम दूसरी बार घर जा रहे हैं तब भी हमको बीच वाला सीट मिला है। बहुत गुस्सा हो रहा है हमको, हमको विंडो सीट चाहिए। हम उनको बोले कि अगर विंडो सीट खाली हो तो प्लीज़ हमको दे दीजिएगा। तो बोली जब उड़ान लगेगा तब बताना, खाली हुआ तो बताते। बहुत गुस्सा हो रहा, हमको विंडो सीट चाहिए। मैनिफेस्ट या मैनिफेस्टिंग विंडो सीट, आई लेट यू नो इफ आई गेट। कांट गेट मोर बेटर गाइज, हम गली बॉय देख रहे हैं और ये पूरा खाली हो गया है। और हमको पीछे खिड़की सीट भी मिल गया है, लेकिन हम सोच रहे हम यहाँ पे सोएंगे और सुबह में जब व्यू आएगा तो हम पीछे जाके देखेंगे। और मज़ा आ रहा है। हाय गाइस, सुबह का 10 बज रहा है यहाँ दोहा में और हम लोग हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैं। और हमको कोई तो चाहिए, यहाँ पे इतना सुंदर सा चीज़ बना हुआ है, फोटो सब खिंचवा रहे हैं। हमको बहुत अजीब लग रहा है अकेले के लिए, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि अकेले का जो सफ़र होता है ना, बहुत अमेजिंग होता है। हमको किसी के साथ जाते तो हम पूरे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो सब कुछ कर देगा, लेकिन हम अकेले जब आए हैं हमको लोनलीनेस बिल्कुल भी नहीं हो रहा, हमको मज़ा आ रहा है। हमको डिस्कवर करने मिल रहा है कि हम क्या क्या कर सकते हैं खुद से, और हमको बहुत अच्छा भी लग रहा है। यहाँ से घर जाना है बस थोड़ा देर और, विल सी। If I wrote you a symphony just to say how much you mean to me, what would you do? If I told you you were beautiful, would you date me on the regular? Tell me what.
उनको तब से देखे जा रहा है, हम हाय कर रहे हैं, हाय भी नहीं कह रहा है। इट्स बिन मोर देन 9 आवर्स आई एम वेटिंग इन द एयरपोर्ट। अभी मेरा फ्लाइट 2 बजे है, 12:30 बज रहा है, थोड़ी देर में चेक इन करने जाना है। मेरा कमर का हालत ख़राब हो चुका है और यहाँ पे व्हाट्सएप कॉल नहीं लग रहा, व्हाट्सएप का ना तो वीडियो कॉल लग रहा है ना तो ऑडियो कॉल लग रहा है, व्हाट्सएप चल ही नहीं रहा है यहाँ पर पता नहीं क्यों। और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, और ये इतना महंगा जगह है, कोरियाज भी महंगा है, यहाँ पर स्टारबक्स इतना महंगा है, कोरिया में कोरिया हमको सस्ता लग रहा है, इससे इतना महंगा है ये जगह बाप। हमारा दूसरा दिन है और हम एयरपोर्ट पे पहुंच के इंडिया इंडिया पहुंच के हम भूल गए कि हमको कैमरा निकाल के व्लॉग भी करना, जबकि यही मोमेंट करना चाहिए था। लेकिन हम लोग एयरपोर्ट में बहुत मजा आया, वापस आके हम लोग बहुत मजा किए। ये मेरे JNU का ब्रेकफास्ट, ओह माय गॉड, 3 चम्मच डालो इसमें। आई वाज मिसिंग इट, और 1 चम्मच गंदा है, इसको मत खिलाओ, इसको गर्म पानी पीने दो। हाय गाइस, तो हम तैयार हो चुके हैं और ना हमको बहुत मन था डोसा खाने का यहाँ का, तो ये मेरा दोस्त परम मित्र मेरे साथ आया है, हम लोग डोसा खाने के लिए आए हैं, डोसा हमारा बन रहा है और हमको फाइनली लग रहा है हम इंडिया आ गए, अपने जगह पे आ गए, हमको बहुत खुशी हो रहा है। और ये ना इसको हम बोले स्पेशल डिमांड पे कि हमको बाइक चलाना है, ये मेरे लिए बाइक भी जुगाड़ कर आया, हम लोग बाइक चला के आए हैं, हमको बहुत मजा आ रहा है। आंटी हाय कर रही है तो हम लोग डोसा खाते हुए आपसे बात करते हैं। आपको कुछ बोलना है मेरे से इतने दिन बाद मिले, कैसा लग रहा है? बेकार एकदम। हमको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है क्योंकि हम इंडिया में कभी व्लॉगिंग किए नहीं है और हमको सब घूर के देख रहे हैं। गाइस, हम लोग JNU में हैं और JNU में ही हम गाड़ी चला सकते हैं क्योंकि मेरे पास अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो JNU के अंदर जब भी गाड़ी आता है तो वो मेरे हाथ में रहता है। अभी हम लोग गाड़ी चलाने जा रहा है, उसके बाद हम गुपचुप खाने जाएंगे क्योंकि हमको 1.5 साल हो गया गुपचुप खाए हुए। तो गुपचुप, गोलगप्पा, पानी पूरी, आप लोग अपना अपने लैंग्वेज में सूटेबल जो है वो समझ लेना, हम तो गुपचुप बोलते हैं। ये मेरे यूनिवर्सिटी ये JNU है और यहाँ पे हम लोग का क्लास होता था कोरिया कॉर्नर में। ये वाला खुला नहीं है, बस क्लास के समय खुलता है। ये हमारा क्लास होता था यहाँ पे और इस जगह पे क्लास होता था हमारा। माय गॉड, और ये पूरा कॉरिडोर में हम लोग घूमते रहते थे। ये हमारा लैंग्वेज का बिल्डिंग है, ये हमारा पूरा बिल्डिंग में हर लैंग्वेज लैब वहाँ पे है और ये पूरे बिल्डिंग में हमारा क्लास होता था, 1st, 2nd, 3rd फ्लोर। हंगुल डे सेलिब्रेट होता, क्या नहीं होता था। वो SIS का बिल्डिंग है और वो SSS नहीं, ये SL1 है, ये SL1 है, ये स्कूल ऑफ लैंग्वेज 1, और ये SL2 है, स्कूल ऑफ लैंग्वेज 2, और वो वाला बिल्डिंग SIS2 है, SIS1 मेरे भाई ये लिख के लाया मेरे लिए, दिखाना इधर, आपको दिखाते हैं इंडियन ऑनली को कोरियन में, मेरे यूट्यूब चैनल से देख के लिखा है और आपको दिखाते हैं कैसे लिखा है और गलत स्पेलिंग, लेकिन एफर्ट्स एफर्ट्स भाई एफर्ट्स। ओह माय गॉड,
ये देखना इन दो को अंधो कर दिया है, लेकिन एफर्ट्स। ये मेरा मामा जीजू गुजू गुजू गुजू। कैसा लग रहा है मामा? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हम अपनी बेटी को लेकर के